वोटिंग ट्रेंड्स में आया बवाल, क्या वाकई मनीषा रानी हार गई और जिया शंकर जीत गई ये जंग? गाइज आइए जानते हैं आखिरकार वोटिंग ट्रेंड्स में क्या बदलाव आए हैं। गाइज हमने देखा कि वोटिंग ट्रेंड्स की अगर बात करें तो नॉमिनेटेड कॉन्टेस्टेंट्स चार हैं, जिनमें से मनीषा रानी वेल टॉप पे थी, लेकिन जिया शंकर इन दिनों ऐसे ऐसे ट्रिक्स अपना रही हैं कि वो फिलहाल वोटिंग ट्रेंड्स में टॉप पोजिशन पर आ गई। हालांकि मनीषा रानी को उनके फ्रेंड्स आशिका भाटिया से लेकर फुकरा इंसान और एल्विश यादव का भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ जिया शंकर ट्रिक्स अपना रही हैं इन दिनों फुकरा इंसान के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाकर वोट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने की हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। और यहाँ हमें कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि जिया शंकर के इंटेंशंस काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं कि इस बार वो एविक्शन से बच जाए। और देखा जाए तो वोटिंग ट्रेंड्स में भी ऐसे बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जहाँ मनीषा रानी अचानक से आ गई हैं सेकेंड पर और वहीं जिया शंकर हैं नंबर वन की पोजिशन पर। तो क्या वाकई जिया शंकर ने मनीषा रानी को हरा दिया और कर दिया उन्हें वोटिंग ट्रेंड्स में पीछे? जहाँ अब तक मनीषा रानी आगे चल रही थी टॉप पर, तो वोटिंग ट्रेंड्स में आए इस बड़े बदलाव के बाद मनीषा रानी के फैंस को लगेगा बड़ा झटका। तो वेल गाइस अब आप बताएं कि आखिरकार क्या लगता है आपको, क्या मनीषा टॉप पर आ पाएंगी या फिर जिया शंकर पछाड़ देंगी मनीषा रानी को? फिलहाल वोटिंग ट्रेंड्स में लगातार उलटफेर होते जा रहे हैं, तो ये वोटों की हेरा फेरी पर क्या कहना चाहेंगे आप सभी? आखिरकार कौन करता है सबसे टॉप पर रहना डिजर्व, मनीषा रानी या फिर जिया शंकर? डू लेट अस नो योर रिएक्शन इन द कमेंट सेक्शन।